नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपके पास भी जियो की सिम है, उसमें आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले अपनी जियो की सिम है, उसको आप अपने मोबाइल से निकाल के स्लॉटर में डाल लेंगे। स्लॉटर में डालने के बाद आपको सिंपली चले जाना है सेटिंग में। अभी मेरे पास जियो की सिम है, जो मेरे छोटे मोबाइल में है, स्मॉल जो कीपैड मोबाइल होता है उसमें है। तो अभी मैं इसमें आपको एयरटेल की सिम में खाली करके बता देता हूँ सेटिंग। अपने आप जियो के मोबाइल में कर लीजिए, जियो सेटिंग में। तो सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे फिर आपको करना है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में चले जाएंगे और यहाँ पे एयरटेल पे ओके करें, स्लोट ऑन पे, सॉरी, स्लोट ऑन पे ओके कर लेंगे। आप सिंपली आपको चले जाना एक्सेस पॉइंट नेम में। एक्सेस पॉइंट नेम पर जाने के बाद आपको राइट साइड में नीचे रिसेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से इसको रिसेट कर लेंगे। फिर आपको प्लस का आइकन पे ओके करना है न्यू आईपीएन पे। यहाँ पे नेम में चले जाएंगे आप, जो जो मैं लिखता हूँ आपको जियो की सिम में ये सिम टू सिम लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 4G प्लस FCP, ओके कर लेंगे इसको। फिर आपको APN पे चले जाना है, यहाँ पे हम करेंगे जियो 4G प्लस, ओके कर लेंगे इसको। प्रॉक्सी को नहीं छेड़ेंगे, पोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको करना है 8080, ओके कर लेंगे इसको। यूज़र नेम में चले जाएंगे, यहाँ पे लिखना है आपको PHP, सॉरी HP, ओके कर लेंगे इसको भी। पासवर्ड को नहीं छेड़ेंगे, सर्वर में चल जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है WWW, ओके कर लेंगे इसको भी। MS प्रॉक्सी, MS पोर्ट, MCC, MNC, हमारे एरिया कोड ऐसे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर आपको चले जाना है ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पे करना है PAP और CHAP पे। APN टाइप पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको करना है डिफॉल्ट कॉमा SUPL कॉमा XCAP, ओके कर लेंगे इसको। APN प्रोटोकॉल पे सेम प्रोसेस है, IP4/IP6 करेंगे। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में सेम प्रोसेस है। फिर बैरियर पे जाके आपको करना क्या है, ट्रांसफर पैड से हटा देंगे, जितने आपको ऑप्शन दिखते हैं सब पे ओके कर लेंगे, टिक मार्क करेंगे। अगर आपके मोबाइल में इतने सारे ऑप्शन नहीं है तो आपको सिंपली LTE के ऑप्शन पे ओके कर लेना, 3 डॉट पे जाके इसको सेव कर लेंगे। हमारे जो जियो की APN है वो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है आपको बताते हैं। अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, जहाँ पे आपने APN क्रिएट किया है उसी APN पे आपको ओके करना है, इंटरनेट का यूज़ करना है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लव यू।